अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज उमर अशरफ। रमजान शरीफ आ रहा है, मेरा मैसेज है आप सब लोगों के लिए, रोजे रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अपने साथ वाले को, जो आपके साथ लोग रहते हैं, उनको भी आपने कहना है कि उठो, अरे उठो, उठो कमबख्त, उठ जाओ, मत सोते रहना है, ये ना हो कि तुम्हारे नसीब भी सो जाए। उठो और उठ के रोजा रखो, चाय बना लेंगे तो रोजा रखें, सबको बोलें, उठाएं सबको, रोज़ा रखने के लिए सब उठें, सब रोज़ा रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर खुदा आपको कोई चमकते हुए तारों से नहीं नवाजता, तो यकीन रखिए कि उसने आपके लिए एक चांद रखा होगा। अगर वो आपको चांद से भी नहीं नवाजता, तो यकीन रखिए कि उसने आपके लिए पूरा आसमान रखा है। और अगर आपको पूरे आसमान से भी नहीं नवाजता, तो यकीन रखिए कि उसने पूरी कायनात आपके लिए रखी है। और अगर वो आपको पूरी कायनात से भी नहीं नवाजता, तो अगर आपने कलमा पढ़ा हुआ है, तो यकीनन आपको वो क़यामत के दिन अपने जलवे से, अपने हुस्न से, अपने कुर्ब से, अपनी कुर्बत से नवाजेगा। तो कोशिश कीजिए कि खुदा को याद कीजिए, खुदा से माफ़ी मांगिए, अपने गुनाहों की तौबा कीजिए, और कोशिश कीजिए कि खुदा से मगफरत मांगिए, वो बहुत माफ़ करने वाला मेहरबान। तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला को दिल से याद करें, दिल से, और दिल से खुदा की मदद जो है वो इंशाल्लाह ताला अपने लिए मांगें। और खुदा बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, और बहुत मोहब्बत करने वाला है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि खुदा से पूरी मोहब्बत जो है वो आपने उसको यूटिलाइज करना है। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। उमर अशरफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।